हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी टेरेस गार्डन में। मैं आज अपने गार्डन में आप सभी को कोलियस के प्लांट को दिखा रही हूँ, जो कितनी ही खूबसूरत है। नेचर ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है, आप देख रहे हो ना। कितनी ही फुर्सत में इसके पत्तियों में कलर भर दिए हैं ईश्वर ने, जो ये खुद में अपने आप में इसकी खूबसूरती जो है उभर कर आ रही है। क्या खूबसूरत से कलर कॉम्बिनेशन में ये प्लांट है। दूसरा ये भी देखने, इसके तो कलर के क्या कहने, कितनी ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन में है। और उससे भी अच्छी तो इसकी लीफ की कटिंग्स है, जो आप देख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे से ये कोलियस हैं। और तीसरा मेरे पास एक ये भी वैराइटीज़ है, ये जनरल है, ये सभी जगह अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ये और ये तो बहुत कम मिलते हैं। ऐसे इस कोलियस में 70 वैराइटीज़ होते हैं, लेकिन इसमें सारे प्लांट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कुछ जनरल भी होते हैं। जहाँ से मैं ली तो उसमें मुझे ये 3 प्लांट बहुत अच्छे लगे, बाकी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मैं नहीं लेकर आई। और मुझे एक उसी कोलियस का एक और वैराइटी, उन्होंने बताया कि ये भी कोलियस का ही है, तो मैं इसे भी लेकर आई। लेकिन इस कोलियस के पत्ते थोड़े बड़े हैं और इसके छोटी छोटी सी है। इसमें भी बहुत सारे कलर थे, लेकिन मैं 2 ही कलर बाई की नर्सरी से, एक ये मैं इसी के बगल में पर्पल ट्रेंगल हार्ट भी लगाई हुई है। इसकी भी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और कलर भी बहुत ही प्यारे से हैं, आप देखिए। ये अप्रैल का महीना चल रहा है और काफ़ी गर्मी के कारण मैं इसे टेरेस पर रखी हुई हूँ, लेकिन लगता है कि इसके लिए ये जगह सूटेबल नहीं है, क्योंकि इतनी धूप के कारण इसके पत्ती जलने लगे हैं और इसके कलर भी ख़राब हो रहे हैं। जो नए लीफ आए हुए, देखिए इसके कलर, ये नेचुरल कलर है, कितना खूबसूरत सा है, लेकिन वही ये पत्ती जल गई है, जिसके कारण इसकी खूबसूरती इस लीफ की ख़राब हो गई है। मैं इसे तोड़ कर हटा देती हूँ, ताकि दूसरा लीफ भी इसके संपर्क में आके ख़राब ना हो जाए, और इसका ख़राब होने का भी मुझे डर है कि अब यहाँ ये ज़्यादा दिन रह गया तो ख़राब होगा। मैं इसका आज ही इसके प्लेस से मैं इसे हटा दूँगी। कोलियस में भी जो है वो बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से केयर में सालों साल आपके घर में ये बना रहता है। इसे भी वेल ड्रेन सोइल की ज़रूरत है और इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे, इसका भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें एक दिन भी अगर आप पानी नहीं देते हैं तो होता क्या है ना, कि ये प्लांट अपने पत्ती खुद ब खुद गिराने लगती है और उससे ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, जब एक बार इसकी पत्ती गिरने लगती है तो आप कितना भी केयर कर लो, ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो बेहतर है कि इसको अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए, आप देख रहे हैं ना, देखिए मैं इसका कटिंग लगाई हुई थी, लेकिन ये सर्वाइव नहीं किया, ये सूख गया। मैं एक इधर भी लगाई हुई है, लेकिन इसमें धूप नहीं लगी, जिस कारण इसके कटिंग देखिए सर्वाइव कर गया है। और दूसरा ये देख रहे हैं, ये सूख चुका है, तो मैं इसी से कहूँगी कि इन दिनों इसे कटिंग से ना लगाएं। अगर इसको लगाना चाहते हैं कटिंग से, तो इसके लिए बेहतर होगा कि बारिश के टाइम में ही लगाएं। इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, ये सीड से भी ग्रो होता है और कटिंग से भी। ये आप गमले में, हम लोग 5 से 10 इंची के गमले में लगाते हैं, तो इसकी मिट्टी में इतनी ताकत नहीं होती है कि जो इसके प्लांट को हेल्दी रखने के लिए चाहिए, वो मिट्टी से नहीं मिल पाता है। तो बीच बीच में आप इसे फर्टिलाइज़र देते रहें, काउडग, बर्मी कंपोस्ट, और कोई फंगस ना लगे इसलिए साफ भी 15 दिन पर आप एक बार पानी में घोलकर डालते हैं, तो इसमें किस तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा और ये प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। और आपके खूब गार्डन में ये खूबसूरत से लीफ आपकी गार्डन की खूबसूरती को और भी बढ़ाता रहेगा। तो ओके व्यूवर्स,
मैं अपना वीडियो अब यही बंद करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।